हेलो दोस्तों, लिप बाम हम मार्केट से लाते हैं, लिपस्टिक लिप बाम कई तरह के ले आते हैं, पर हमारे लिप्स पे उसका साइड इफ़ेक्ट भी पड़ता है। तो क्यों ना हम नेचुरल तरीके से अपने घर पे लिप बाम तैयार करेंगे। यहाँ पे हमने छोटा सा टुकड़ा लिया है चुकंदर का, और कोशिश करें कि किसी भी ग्राइंड से अगर ग्राइंड करते हैं तो उसको अच्छी तरह से क्लीन कर लें, अच्छी तरह से साफ़ सुथरा कर लें, क्योंकि हमें फेस और लिप्स पे लगाना है तो इन्फेक्शन भी फैल सकता है। मैं छोटा सा क्यूट सा कद्दूकस रखी हूँ, फेस वगैरह पे मार्क्स वगैरह तैयार करना होता है इसी से करती हूँ। इससे सब्ज़ी साग लहसुन प्याज का काम नहीं करती हूँ, कोई भी सब्ज़ी का छोटा सा है तो इस तरह से हम कद्दूकस करके उसके जूस को छान के छन्नी से निकाल लेंगे और इसको अच्छी तरह से फ्रेश जूस तैयार करेंगे। कोशिश करें जो भी चीज़ इस पर यूज़ लेना है हमें लिप बाम बनाने में तो वो क्लीन कर लें पहले। पहले से तो धुला हुआ रखे रहते हैं हम, फिर भी बनाते टाइम अच्छे तरह से क्लीन करना है ताकि किसी तरह का कोई इन्फेक्शन फैलने का डर ना रहे। इस तरह से हम दबा के चुकंदर के जूस को निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा रेड कलर का हमारा जूस निकल गया है। अब यहाँ पर हम लेंगे 2 चम्मच चुकंदर का रस। अपने बहुत रेड होता है तो लिप्स पे अच्छा कलर भी इसका आता है और हमारे मार्केट के बाम लिप बाम से अच्छा भी होता है। ये घर पे तैयार करते हैं बहुत ही कम चीज़ों में। अब यहाँ पे 2 चम्मच हमने चुकंदर का रस लिया, 1 चम्मच लेंगे कोकोनट तेल। यहाँ पे पैरासूट का मैं ली हूँ, यहाँ पे नारियल का तेल ले सकते हैं 1 चम्मच। उसके बाद इसमें डालेंगे 2 से 3 विटामिन ई की गोली। इसमें ऑयल होता है तो इसका ऑयल ही हमें निकालना है। इस विटामिन ई की गोलियां जो है शीशे वगैरह में नहीं आती ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि हवा के संपर्क में आते ही इसका गुण ख़त्म हो जाता है। तो कोशिश करें कि अपना जितना निकालना है इस तरह से कट करके हम निकाल लेंगे, और दो जिस हिसाब से अपना लिप बाम बना रहे हैं उस हिसाब से लें। इतने में हम 2 गोलियाँ यहाँ पर डालेंगे ऑयल का, इसका विटामिन ई के। उसके बाद इसको ये डालने के बाद यहाँ पे हमें लेना है वैसलीन, वाइट वाली जो वैसलीन आती है जेली फॉर्म में जमाने के लिए, इसको उसका यूज़ करना है। अगर वाइट वैसलीन घर में ना हो तो यहाँ पे देसी घी भी आप ले सकते हैं, उससे भी परफेक्ट बनता है। पर मैं ले रही हूँ यहाँ पे पेट्रोलियम जेली, ये इमामी का पर्सनली, क्योंकि इसमें मुझे वैसलीन से अच्छा रिजल्ट दिखता है और इसकी भीनी भीनी सी खुशबू भी मुझे बहुत पसंद आती है। मामी का इसका खुशबू बड़ा अच्छा मुझे लगता है तो इसलिए मैं इसे ली हूँ। यहाँ पे आप चाहे तो वाइट वाला वैसलीन जो आता है वो भी ले सकते हैं, या देसी घी भी यूज़ करा जा सकता है। तो यहाँ छोटे से चम्मच से मैं 1.5 चम्मच ये वैसलीन अपना पेट्रोलियम जेली डाल रही हूँ मामी का। मामी की इसकी खुशबू बड़ी अच्छी लगती है, भीनी भीनी से जो खुशबू होती है पर्सनली, वो मैं तब मैं लिप बाम बनाती हूँ तो इसी में बनाती हूँ। और इसको डाल के अच्छी तरह से हमें घोटना है, चलाना है, सारे मिक्स कर देना है। लम्स जो काठे बनेंगे घी एक तरफ, कैप्सूल से जो ऑयल निकला है वो, और ये जेली का ऐसे रहता है, तो इसको घोट घोट के एकदम हमें मतलब जेल तरह से तैयार करना है। जितने घोटते जाएंगे चलाते जाएंगे वो सारे आपस में मिल जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पे कुछ थोड़े थोड़े से इसमें लम्स दिख रहे हैं, एक एक तरफ एक एक चीज़ें हो रखी हैं, तो हमें चलाते जाना है। अगर थोड़ा सा लगे कि पानी जैसा है तो थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे आप रेस्ट के लिए फ्रीज में छोड़ सके 2-4 मिनट 5 मिनट जिस हिसाब से, पर जितने चलाते जाएंगे सारी चीज़ें आपस में मिलानी है, इकट्ठी अलग अलग कोई चीज़ दिखनी नहीं चाहिए। हमारे में अभी लम्स है, ये देखिए ऑयल एक तरफ जमा हुआ है और ये जेली भी, अपना पेट्रोलियम जेली भी एक तरफ दिख रहा है, तो हमें परफेक्ट पूरा अच्छी तरह से मिला देना है। जितना अच्छी तरह से घोटते जाएंगे मेन टाइम ज़्यादा इसी पे लगना है। उसके बाद तो बहुत ही अच्छा परफेक्ट हमारा ये बाम लिप बाम बन के तैयार होता है और मार्केट से अच्छा रिजल्ट इसका दिखता है। ओठ पे डार्क कलर आ गया हो और डेड स्किन हो गई हो उसमें बहुत ही असरदार है। बड़े बच्चे सभी इसको लगा सकते हैं। लगाने के बाद ये नहीं कहा जा सकता कि हमारे लिप्स फटेंगे या नुकसान करेगा, नहीं, पिंकिस पिंकिस सा बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह से डार्क लाइट लगाना चाह रहे हो तो लगा सकते हैं। अब एक लेना है हमें छोटा सा कंटेनर, कोशिश करें बहुत अच्छी तरह से इसको क्लीन करें, धूप दिखाएं, धूप अच्छी तरह से दिखा लेंगे तभी उसमें रखें। कई ऐसे वैसे चीज़ें लगी होती हैं इसमें तो इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है। अब मैं इस तरह से एक छोटी सी डिब्बी है, बहुत प्यारी सी क्यूट सी लगती है, इसमें इकट्ठा कर लूँगी, डाल के रख लूँगी, और यहाँ पे हमें थोड़े टाइम के लिए फ्रीज़र में डाल देना है। मतलब 5 मिनट भी नहीं लगेगा, 2 से 4 मिनट में बहुत अच्छा सा परफेक्ट ये हमारा लिप बाम फ्रीज़र में जम जाएगा। उसके बाद जब ये फ्रीज़र में जम जाए उसके बाद निकालेंगे तो देखेंगे कि बहुत ही अच्छा हमारा ये लिप बाम बन के तैयार होता है। कलर तो आप सबको पता है, गुण भी
चुकंदर के, तो इसको हम अच्छी तरह से देखिए पूरा निकाल लिए हैं। अब इसको हम फ्रीजर में रखेंगे, फ्रीजर में चार मिनट, दो चार मिनट ही, इतना ही आप देखेंगे तो अच्छी तरह से जमा रहेगा उसमें, जमने के लिए रख रही हूँ। तभी आप सबको दिखाऊंगी कि कितना प्यारा हमारा लिप बाम बन के ये तैयार होता है। फ्रीजर से निकाल ली हूँ, दिखा रही हूँ आप सबको, पाँच मिनट भी नहीं लगा और ये अच्छी तरह से जम गया है। ये देखिए कितना परफेक्ट हमारा ये लिप बाम बन के तैयार हो गया है, नेचुरल तरीके से, बिल्कुल कम चीज़ों में घर के, और जिस तरह से आपको कलर पसंद हो, लाइट अगर रखना है लिप्स को तो एक कोटिंग लगाएंगे, नहीं तो दो तीन इस तरह से कोटिंग कर देते हैं, तो हमें मार्केट की लिपस्टिक की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर थोड़े टाइम इधर उधर जाते हैं तब भी, और घर में रहते हैं तब भी, या लिप्स फट रहे हों उस स्थिति में भी, सारी अच्छी चीज़ें इसमें डली गई हैं, वैसलीन और ये विटामिन ई की कैप्सूल और चुकंदर, सारे ही गुणकारी हैं इसमें। अब मैं थोड़ा सा निकाल के दिखा रही हूँ आपको चम्मच से कि कितना परफेक्ट हमारा डार्क जमा, ये देखिए बिल्कुल लिप बाम के तरह। ये यहाँ पे अगर ज़्यादा मात्रा में लिप्स को डार्क रखना है कलर, तो इस तरह से लगा लें, बिल्कुल पिंकिश लाइट रखना है तो हल्का सा लगाएंगे, एक ही कोटिंग में लिप्स हमारा पिंक पिंक सा दिखने लगेगा। ये हमारे लिए तो ज़्यादा अच्छा है ही, बच्चे भी, छोटे बच्चे भी आराम से लगा सकते हैं अगर वो ठोट फट रहा है। अब हमें यहाँ पे लेना है छोटे बच्चों का ब्रश, ले कोशिश करें बिल्कुल सॉफ्ट ब्रश लेना है, और पानी में डीप करके लिप्स पे जितने भी डार्क स्किन होती हैं, डेड स्किन होती हैं, कई बार लिपस्टिक वगैरह लगाने से मार्केट के ऐसे वैसे कलर हमारे लिप्स का डार्क हो जाते हैं, तो सारे जो है डार्क स्किन को इस तरह से ब्रश की मदद से हल्का हाथ, बिल्कुल सॉफ्ट हाथ से डेड स्किन को हटाना है रफ़ करके ब्रश से, और तौलिए से पोंछ दें। डेड स्किन थोड़ा थोड़ा रफ़ करेंगे ब्रश से तो निकलती जाती है। उसके बाद इस बाम को लगाएं जो हमने घर पे तैयार कर रखा है, किसी भी प्रकार का इसमें कोई केमिकल नहीं है, नेचुरल तरीके से तैयार करा गया है। हल्का सा वन कोटिंग करना है, लिप्स पिंक रखना है, तो हल्की सी मसाज करना है लगा के इस चुकंदर वाले बाम को, और फिर देखेंगे रिजल्ट कितना परफेक्ट आता है इसका। बहुत ही सॉफ्ट और नर्म हमारा लिप्स बना रहेगा, कोई भी फटने उठने का वो नहीं है कि लिप्स के कलर डार्क होंगे या नुकसान करेगा, नहीं, पिंक का पिंक दिखेगा नेचुरल तरीके से, उसको ऑयल भी मिलेगा। डार्क रखना है, थोड़ा सा डार्क करना है लिप्स का कलर, तो दो तीन कोटिंग कर ले। अब इसको मैं रूम टेम्परेचर पे पाँच मिनट छोड़ के दिखा रही हूँ कि रूम में, हमें नॉर्मली रूम में छोड़ने पे कैसा होता है, पिघलेगा। ये देखिए रूम में रखने के बाद भी नहीं पिघला है, पर ये पाउडर से तैयार करा गया नहीं, ये सूखा है, जूस से तैयार करा गया, तो कोशिश करें कि इसको फ्रीज में रखें। अगर पाउडर से, चुकंदर के पाउडर से बना रहे हैं तो आप नॉर्मली कमरे में भी रख सकते हैं, इस तरह से बनाइए अपने।